इंजन टाइम्स में सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, शहर बेंगलुरु में हम लोग लगातार आप लोगों को रमज़ान का फूड फेस्टिवल दिखा रहे हैं, जिसमें हमने आपको दिखाया था अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स हैं, फूड के क्वालिटीज़ हैं, और हलीम, स्पेशली हलीम जो है आजकल लगातार बेंगलुरु में देखने को मिल रहा है। तो आज हम आपको दिखाएंगे शहर बेंगलुरु का फेमस हलीम। जी हाँ दोस्तों, फानूस जो तकरीबन कई सालों से जो है शहर बेंगलुरु में लगातार लोगों को डिलीशियस फूड जो है सप्लाई करता रहा है, और लोग आज भी कई हज़ारों की तादाद में जो है फानूस के खाने के जो है दीवाने हैं। जो फानूस रिचमंड टाउन से स्टार्ट हुआ था, जी हाँ दोस्तों, 1975 में जो है रिचमंड टाउन में स्टार्ट हुआ था, और आज 6 इनके जो है आउटलेट्स हैं ओवरऑल बेंगलोर में। और फानूस की जो बात है, जो शीख कबाब्स और जो रोल्स हैं, इनका जो है इनके टक्कर में आज तक कोई नहीं आया है, क्योंकि इनका जो है एक अपना ख़ुद का रेसिपी है। जिस तरह से ये मसाले बनाते हैं, इनके वालिद के टाइम से जो है ये चल रहा है। तो आज खासकर रमज़ान के पीरियड में फानूस ने जो है अलग अलग तरीके की डिशेज़ बनाई है, लेकिन एक ऐसी डिश है जो नवाबी लेग है, जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अलग टेस्ट है। चलिए देखते हैं ये क्या है, और जानते हैं इन डिटेल्स फानूस के हलीम के बारे में और जो डिशेस है उसके बारे में। देखिए, हलीम एक्चुअली हैदराबादी है, ठीक है। अब हम लोग जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि हैदराबादी एक्चुअल हलीम अगर आप खाए तो आपको यहाँ के क्लाइमेट को और यहाँ का जो एपेटाइट है इट वॉन्ट सूट, बिकॉज यहाँ का जो एपेटाइट है इट इज़ वेरी लाइट। हैदराबाद में मसाले से बड़े हैवी खाते, तो हम लोग हलीम को क्या करें, ईरानी स्टाइल के बनाए। ईरानी स्टाइल के हलीम में क्या रहता, मसाले लाइट रहते और आपको गर्म मसाला मुँह में नहीं आता, और जो है यूजली उन लोग बोन्स वगैरह भी डालते हैं। हम लोग विदाउट बोन जो है नीट से हलीम दे रहे हैं। तो सर, इसको बनाने के लिए कितना वक्त लगता है? 4 hours लगते हैं सर, इसको 4 to 5 hours लगते हैं। हाँ, 4 to 5 hours। सर, आपका आपकी कॉस्ट और इनका जो कॉस्ट है इसमें कितना? देखिए, कॉस्ट वाइज तो हम लोग ऑलमोस्ट सेम है। हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम लोग बोन किस में भी नहीं डाल के, एवरीथिंग इज़ बोनलेस। यूजली अगर आप दूसरे हलीम ट्राई करें तो पहले तो बात, बहुत सी जगह पर तो हलीम सीधा बनती नहीं, आपको वो सूप के जैसा दिखता। बहुत कम जगह जहाँ अच्छी हलीम बनाते हैं, लेकिन बोन्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं उसमें। हम लोग विदाउट बोन दे रहे हैं हम लोग। तो सर, अगर आपके पास कोई लेना चाहे तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? आपका हमारे जो है, हाँ, ऐप तो नहीं है हम लोग का, स्विगी जोमेटो और पूरे ऑनलाइन ऑर्डर्स है हमारे पास, और उसके वजह से हम लोग भी जो है होम डिलीवरी सप्लाई करते हैं 3 किलोमीटर के रेडियस में। हमारा फ़ोन है फ्री होम डिलीवरी। हाँ, फ्री होम डिलीवरी है, कस्टमर्स चाहे तो हम लोग को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। सर, आपके ब्रांचेस किधर किधर हैं? सर, ये जो हलीम यहाँ पर जो बन रही है सेम हर जगह सप्लाई हो रही है सर, एक सेंट्रलाइज बन रहा है, बन के हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग। तो आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं? अभी हम लोग जो है इंदिरा नगर है और फ्रेजर टाउन है और तिलक नगर है, HBR ले आउट है, और कोरमंगला में एक छोटा स्टॉल है जहाँ पे हलीम वगैरह निकाल रहे हैं। सर, और क्या है रमज़ान के लिए हलीम के अलावा? इस साल हम लोग नवाबी चिकन तवा स्टार्ट करें, वो जो आप देखे बड़ा वाला तवा है जिसमें तांगड़ी पीस आता है, जिसको पहले बारबेक्यू कर दे, बारबेक्यू करने के बाद फिर उसको जो है तवे के पर रख के मसाले ऐड करके उसको फिर फ्राई करके बना के देते हैं हम लोग। और मसाला चॉप्स हम लोग न्यूली इंट्रोड्यूस करें, वो भी तवे के पर आप देखे रहेंगे। और समोसेज हैं हमारे, यूजुअली आप समोसेज की अगर क्वांटिटी दूसरी जगह देखें, जो खीमे की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रहती, हमारे पास माशाल्लाह से जो खीमे का जो स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा है। लेट इट बी बीफ, चिकन या मटन, तीनों। Yeah, so I am used to buying the mutton halim from Fanus. So I've been buying from like past 3 or 4 years. So I come every year during Ramzan to buy. So wonderful. I mean, it's a wonderful dish to try. I think it's a must try of Fanus. We Fanus family would like to invite all the Bangaloreans to come have and enjoy the Ramzan special meals. From starting to chicken samosa, mutton samosa, onion samosa, egg samosa, to masala chops, chicken nawabi we've introduced this new dish with a long tawa in it.
with all the chicken sticks, chicken chops, masala chops, cheek rolls, tandoori chicken, and the best Haleem serving since 12 years. I think since 14 years, we are the best sellers of Haleem in Bangalore till now. I would request all the Bangaloreans to come and join in this holy month of Ramzan with us and enjoy the food we serve with a quality food and with the quality staff. Thank you. What is different from Haleem that you've got, especially in Ramzan? From Haleem, we especially we have this year we've introduced chicken nawabi. I think the photos, you'll put it on the site. Chicken nawabi is actually a Lahori chicken which we've introduced here. You'll hardly find this chicken somewhere else. And the keema samosas also, you won't find the stuffing same as we put over here. Okay? And the Haleem part is though very different. We have the best customers of Haleem in Bangalore. For now, I don't think any other brand is selling more Haleem than us.